जो था यही तक ही था। तो ये रही अपनी कैंप साइट जहाँ हम रात को रुके थे। कुछ गाइडलाइन है मुक्तेश्वर की, वो हम आपको बाद में बताएंगे। सुबह हो चुकी है, सुबह का हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेट सोए थे, लेट उठे, और उठते हम अपने लिए बना रहे अभी चाय अदरक वाली। इसका तो अपना नाश्ता हो रहा है और ये हमारा हो रहा है। ये हमारे पहले दिन का पहला मील है। तुमको पता है कैंपिंग में सबसे ज़्यादा क्या चलती है? मैगी, वही हमने भी बनाई। हालांकि थोड़ा रंग इसमें फीका है, लेकिन क्या करें, स्वाद है, फील है। ये हमारा टेंट। तो अभी हम इस रास्ते से आए तो सीधे चले गए, बट अभी पता चला कि ये कट है एक कौन से भूल गया ठाकुर ट्रैक के लिए चली जाएगी ना बाइक। हाँ आइए बोल ले। हाँ चले जाएगी ना, चलाए कि आगे से एक बाइक आ गई तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, बट सही है, चल जाएगा काम। ये कच्चा आ गया, देखते कहाँ तक जाती है। हल्के हल्के भी चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, बोलने का ही होगा। तुम्हें डर लग रही तो वे?
पाँव का इस्तेमाल अच्छे से करना, बाइक थोड़ी इधर उधर जाएगी तो पाँव पाँव ही बचाएंगे हम। ऊपर को लेट जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे को नहीं लेटनी चाहिए। उतरो, चला दो ऊपर, उसका देख लेते हैं क्या करे यार, समझ नहीं आ रहा है। लगा लो यहीं पे, लगा लो। नहीं नहीं ऊपर ऊपर कैसा होगा पर तो बाबा ऐसे ये भी सब चौड़ा पतला पतला आ गया। बाइक चले दो, तो उसको आने दो पहले, मैं ना बाइक मुड़ने का। मैं तो बस डाल दूंगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। हे भाई समझ नहीं आ रहा, पहली बार जा रहे ऊपर, ऐसा ना हो फंस जाए। पहले पैदल हाँ उसको देख के आते हैं। हाँ बाइक ठीक है ना, कोई जानवर कुछ ना, कोई नहीं। ले आ भैया, वो ट्रैक वाला है वो। कहाँ हो? आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है। हाँ। मेन तो वैसे ही है। हाँ जाओ इससे पूछते हैं। बाइक ले जाने का तो है, रिस्क लोगे बताओ? बाइक ले जाने का तो है, ये रूट नहीं है। ना ना रूट तो ये है बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा रिस्क है आगे, क्या करोगे बताओ? यहाँ पे रिस्क में हम गाड़ी लगा देते हैं, मैं कह रहा हूँ यहीं लगा। हमने मैंने तो लगा दिया आगे, आगे लगा ली। तुम यही के डालो, अगर यहाँ से बैक हो जाएगी तो बढ़िया, आगे से हो जाएगी बैक। आगे है हाँ, लेकिन हाँ आ जाओ फिर। कहाँ पे लोगी बैक कह रहे हो? जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है। तुम्हारी घूम के नहीं होती है? हाँ? स्टैंड पे घूम के करो, आओ। नहीं होती है? हाँ, इतनी भारी है, पहन यूज़ नहीं है। अरे यार ओ भाई ये देखो। हाँ तो भैया जी, अब बढ़ते हैं अपने गंतव्य की तरफ। ये एक ऑफ बीट ट्रैक है और तुमको पता है मुझे ऑफ बीट ट्रैक करने का कितना ज़्यादा शौक है, क्योंकि ऐसी जगह दिखाना जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, उसका ब्लॉग बनाने का एक अलग ही अपना एक अलग ही फीलिंग है। तो अभी मिलते हैं ऊपर। और हाँ 3 किलोमीटर का ट्रैक था, ज़्यादा हम थके नहीं, लेकिन बीच में दिखाने लायक कुछ था नहीं, जो होगा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ऊपर जो था ना देखने लायक वो आप देखना। यार तुम ड्रोन शॉट ही देखो। अच्छा सच सच बताओ, ट्रैकिंग का शौक है और मम्मी पापा घर से ज़्यादा दूर जाने नहीं देते हैं, और आप कुमाऊं रीजन के, गैसेड रीजन कुमाऊं रीजन के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो मुक्तेश्वर में चौली की जाली सबने देखा है, वो उसका कोई ट्रैक भी नहीं है, आपको 100 मीटर चलना है मिल जाता है। लेकिन आपको एक पीसफुल जगह चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए, तो आप इस एरिया पे आ सकते हो। ठाकुरी छोटा सा ट्रैक है, 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक, मैं ये नहीं बोलूँगा मॉडरेट है, इजी है, थोड़ा सा स्टेप चढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे चले पहुँच जाएंगे, ठीक है।
लेकिन पैसा वसूल, ऊपर आओगे आप पैसा वसूल है। सोचो अगर यहाँ पे स्नो गिरती होगी तो कैसा लगता होगा नीचे का नज़ारा। और मैंने सुना है यहाँ पे स्नो के टाइम पे तो अभी इतना प्यारा लग रहा है। आपको दिखाते हैं ठाकुर का मेन मंदिर, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आते हैं। Sarega rega ma pa 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 pa